नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और दोस्तों आज मैं आपको बता रही हूँ, बिना जॉइंट वाली जो हमारे मिडिल सेंटर का जॉइंट होता है वो बिल्कुल नहीं होगा इस ब्रा के अंदर, और आप इसके इजी से कटिंग और स्टिचिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों आगे से बिना जॉइंट वाली ब्रा बनाने के लिए सबसे पहले हम ब्रा का फर्मा तैयार करेंगे। उसके लिए देखिए इस तरह से हम कटिंग करेंगे पैटर्न की। उसके लिए देखिए ये लेंगे हम, कोई सा भी कागज़ ले सकते हैं आप, डबल फोल्ड में करेंगे और इसके बाद हम इसकी लंबाई देखेंगे। ये हमें तैयार करनी है 6.25 इंच, तो ये मैंने 6.25 इंच पे पॉइंट लगा दिया, ठीक है। अब हम इसकी लेंगे, देखिए 4.25 इंच होता है, 30 साइज का जो 8वां भाग होता है वो होता है 4.25 इंच, 4.25 इंच पे पॉइंट लगा दिया है। और यहाँ पर मैं इसको लूँगी 1.25 इंच की टक्स लगाऊंगी, ठीक है। और यहाँ पे हम इसकी ले देते हैं 1 इंच पे, क्योंकि इसकी लंबाई का ये वाला पॉइंट है, ये वाला है ना, तो ये 1 इंच पे मैंने पॉइंट लगा दिया है। 1 इंच के बाद में 0.5 इंच का और पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। अब इस तरफ हम इसको लेंगे, सीधा गोलाई लगा देते हैं, सीधी एक तरफ हमारी सीधी गोलाई होगी, ये चल रही नहीं रही है, तो इस तरफ में हम इस तरह से इसकी सीधी गोलाई लगा देंगे। तो ये हो गई इसकी 1 साइड, ठीक है। तो 6.25 इंच लेंथ रखने के लिए मैंने इसमें किया है प्लस 0.5 इंच, 0.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है। अब यहाँ से हम इसको इस तरह से करेंगे, 1 इंच ऊपर इस तरह से एक पॉइंट लगाएंगे और इस तरह से हम इसको शेप लगा देंगे। 1.25 इंच की ये हमारी सिलाई हो गई। इस सिलाई को हमें इसका फिर सेंटर कर लें आप, इस सेंटर पे। तो इस सिलाई को आपको इस तरह से सेंटर पे मिलाना है, फिर आपको इस तरह से सेंटर पे मिलाना है, ठीक है ना। इसी तरह से हम इस तरह ये सेंटर पॉइंट बना लेते हैं और यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं और 1 इंच पे हम यहाँ पे ये फर्मा बना रहे हैं, हम 0.5 इंच पे ये पॉइंट लगा रहे हैं। अब इस तरफ की गोलाई हम इस तरह लगा देंगे। आप भी किसी भी कागज़ के ऊपर इस तरह से फर्मा तो बना ही सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और फिर यहाँ पे हम इसको लेंगे 1.25 इंच, ये हो गया 1.25 इंच पे हम इसको इस तरह से मिला देंगे। ये तो दोनों पैटर्न हो गए हैं। और फिर इसको हमें इस तरह से थोड़ा लेना है, 1 इंच ऊपर, लगभग 1 इंच ऊपर है, तो इस तरह से इसको शेप लगा देंगे। अब आपको इसकी जो चौड़ाई है कप्स की कितनी चाहिए, टोटल हमें चाहिए 4.25 इंच, ये हो गया यहाँ पे 4.25 इंच का पॉइंट। अब यहाँ से हमें इसकी जो नेक वो ड्रॉ करनी है, तो यहाँ से हम इसको 2 इंच पे ऐसे ही जॉइंटेड रखेंगे और उसके बाद हम इसको इस तरह से नेक में इसमें मिला देंगे, ये हो गया। तो ये 1 साइड की कटिंग है और ये दूसरी साइड की गोलाई है। अब इस फर्मा कटिंग को हम इस तरह से कट कर लेते हैं। इसको सेंटर पॉइंट में कट करना है। अब इस सेंटर पॉइंट को इस तरह से सेंटर पॉइंट तक ऐसे ही ले जाना है। फिर नेक लाइन को देखिए, थोड़ा सा अगर आप चाहे तो वी शेप दे सकते हैं, जैसे मैं हल्का सा नेक लाइन, ये है नेक लाइन, इस तरह से मैं इसको शेप दे रही हूँ। एक बार समझना थोड़ा हार्ड होता है, समझ आने के बाद तो बहुत इजी हो जाता है। ये हो गया और अब हम इसको इस तरह से कट कर लेते हैं। और जो नीचे का पैटर्न इस तरह से शेप लगा हुआ है वो भी कट करना है। ये क्यों कट करना होता है, क्योंकि इसे आपकी जो बीच की सिलाई है वो सही नहीं आएगी। अगर आप ये कटिंग नहीं करेंगे तो आपकी बीच की जो सिलाई है वो सही नहीं आएगी।
तो ये हो गया हमारा पैटर्न कटिंग। किस साइज के लिए? 30 साइज के लिए, 32 साइज के लिए। 32 साइज के लिए 4 इंच हो जाता है, जैसे मैंने पुणे चार लिया था यहाँ से तो वो 4 इंच हो जाता है, बस इतना ही फर्क है। अब ये वाला, ये हमारा डबल कपड़ा है फोल्डेड, तो यहाँ पे ये हमने कटोरी जो फर्मा किया, कटिंग किया, वो रख देंगे। और ये है हमारी बीच की साइड जहाँ फोल्डेड रहेगी, और ये हमारी इस तरह से हम इसको कट कर लेते हैं। ये हमारी नेक लाइन है और ये हमारी साइड की गोलाई है, हम इसको कट कर लेते हैं। यहाँ पे कट का निशान लगा देते हैं, यहाँ पे हमें सिलाई करना है। फिर यहाँ पे हम एक कट का निशान लगा देते हैं, यहाँ पे हमें सिलाई करना है, या फिर आप इस तरह से स्केल से भी निशान लगा सकते हो। फिर हम इसको बराबर में कट कर लेते हैं। अगर आप कपड़े को फोल्ड कर रहे हो तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा कट कर ले, ताकि आपको फोल्ड करने के बाद जो आपकी ब्रा वो छोटी ना हो। तो ये तो बहुत छोटे साइज की ब्रा है, 30 साइज के लिए है। मैं तो चूंकि लेस लगाने वाली हूँ तो इसलिए मैंने यहाँ पे कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लिया किसी भी साइड से। अब देखिए ये पैटर्न कटिंग हो गया है, जैसे हमने नीचे पॉइंट लगाया वैसे ही हम ऊपर में भी पॉइंट लगा देते हैं, ये वाला और ये वाला, और ये इसका सेंटर पॉइंट है, तो यहाँ पे ये सेंटर पॉइंट पे पॉइंट लगा देते हैं ये वाला, और यहाँ पे भी इसके नीचे भी हम सेंटर पॉइंट पे पॉइंट लगा देते हैं। अब हम इसकी सिलाई करेंगे। ये देखिए ये जॉइंटेड हो गया ना, इसमें कोई भी जॉइंट नहीं है बीच के अंदर, ठीक है, देख सकते हो ये यहाँ पे जॉइंट ऐसे ही रहेगा। तो अब देखिए ये जो सिलाई है वो कैसे, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। इसको हम ऐसे कट करेंगे, देखिए इसका दोनों पार्ट्स कट कर लेते हैं, आपको इजी हो जाएगा, क्योंकि इतना मार्क तो नहीं कर पाते हैं ना हम लोग अपने फैब्रिक के ऊपर। तो इस तरह से आप कीजिए, और आप जो चोंक होती है ना उससे मार्क करके, और फिर आप जो है उस पर सिलाई कर सकते हैं। ये हो गया। अब आपको यहाँ पे इसको रखना है, ये वाला पार्ट है इस तरफ वाला, ये वाला पार्ट्स यहाँ पे रखा, और यहाँ से इसको ड्रॉ कर लेने हैं। सेंटर पे आ गया, ठीक है, ये वाला पार्ट्स इस तरफ रखा, इस तरह से देखिए हो गया ना, इसको इस तरह से मार्क किया, और अब हम इसकी एक सिलाई कर देंगे। जैसे कि मैंने मार्क किया वैसे ही सिलाई कर देंगे, ठीक वैसा ही मार्क हम इस पर कर लेते हैं। इस पर तो देखिए पॉइंट लगे हुए हैं, यहाँ पे इसको मिलाया सेंटर पॉइंट पे, यहाँ पे इस पॉइंट को मिलाया सेंटर पॉइंट पे, और इस सेंटर पॉइंट को यहाँ पे ऐसे ले गए, और इस सेंटर पॉइंट को यहाँ से इसको ऐसे ले आए। ये तो अब मैं ये सिलाई आपको करके दिखाती हूँ। इस तरह से पकड़ा और ये बराबर में ऐसे यहाँ तक सिलाई करना है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक सिलाई करना है। और जो दूसरा वाला पार्ट्स है उसको भी मैं आपको बता देती हूँ, इस तरह से इसको भी ऐसे ही फोल्ड करेंगे जैसे उसको किया हुआ है, और इसकी भी यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमें सिलाई करनी है। तो लीजिए दोस्तों, हमारी दोनों साइड की सिलाई होकर के तैयार है। अब हम इसे ओपन करते हैं, तो ये देखिए कितनी खूबसूरत से कप्स बन करके रेडी हो गए हैं, कोई भी जॉइंट नहीं है। अब नेक लाइन पे ये जो आप लेस लेंगे, तो जैसे मैंने ये लेस ली है इसको मैं यहाँ से स्टिच करते हुए और पूरी नेक लाइन में ऐसे स्टिच करके, देखिए एक पहले एक सिलाई ऐसे लेंगे, फिर इसको ऐसे अंदर की ओर ऐसे फोल्ड कर देंगे, तो ये देखिए इस तरह से आ जाएगी ऊपर करके, इस तरह से यहाँ से लेकर के यहाँ से फिर यहाँ तक इसको कंप्लीट कर देंगे, तो इसका लुक बहुत ही खूबसूरत आएगा। अब आप देखिए ये साइज बना है 30 साइज के लिए। तो इसी तरह से आप और साइज की भी ब्रा बना सकते हो, जिसमें आपको नेक लाइन पे कोई भी जॉइंट नहीं आएगा। और आप देख सकते हैं नीचे से कितनी खूबसूरत है, नीचे की पट्टी लगा करके फिर ऊपर के बेल्ट लगा सकते हैं। बेल्ट की देखिए लंबाई होती है 12 इंचेस, 13 इंचेस, 14 इंचेस, तो देखिए थोड़ा एक दो इंच एक्स्ट्रा
बनाए बेल्ट को ऊपर वाले को, तो इलास्टिक लगाते तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा बड़े हो तो उनको खोल करके थोड़ा कम किया जा सकता है, पर छोटे हों तो कम नहीं किया जा सकता, दिक्कत हो जाती है, इसलिए कभी छोटे ने बनाए, 2 इंच 1 इंच फालतू हो तो कोई दिक्कत नहीं होती है। ये जो कमर का बेल्ट है 30 साइज़ के लिए 26 का तैयार करें, और लेने के लिए आपको 28 साइज़ का लेंगे तो आपको 26 साइज़ का जो नीचे का बेल्ट है वो तैयार हो जाएगा। नीचे मैं कुछ आपको वीडियो की लिंक दे रही हूँ जिसे देख करके आप जो इस ब्रा को इसको परफेक्टली अपने घर पर बना सकते हो, बहुत ही खूबसूरत आप देख सकते हो।